नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहली है, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 व PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने बताया कि यह परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई। कर्मचारी चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल, सहायक वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर भर्ती की उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी अनुक्रमांक एवं पासवर्ड के माध्यम से उत्तर कुंजी देख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही आंसर की से संबंधित। वहीं UGC का रिजल्ट जल्द ही जारी हुआ है, जिससे अभ्यर्थियों ने जो कि पास आउट हैं उन्होंने आवेदन का मौका भी मांगा है। आगे दिया है, नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 433 पद लगभग बताए गए हैं। इसमें दिया है आयु सीमा, इन पदों के आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो है नर्सिंग की डिग्री या उस तरह की डिग्री और डिप्लोमा ही धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जिनके पास इस तरह का डॉक्यूमेंट है, डिग्री है, वही जो है इसमें पात्र होंगे। देखिए दिया है यहाँ चयन का तरीका, नर्सिंग ऑफिसर के पदों को विद्वानों को चयन CBT और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो कि 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे CBT में। वेतन मान की बात करें तो 44,900 रुपये की बात कही गई है। अंतिम तिथि जो आवेदन की है 1 दिसंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना है। 1500 रुपये आवेदन शुल्क रखना है। JIPMER.EDU.IN यही इनकी वेबसाइट है, इस पर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए जो पद हैं उनका किस कैटेगरी में कितना है इसको भी स्पष्ट कर सकते हैं आप। 433 पदों में अनरिजर्व्ड 175 हैं, EWS के 43, OBC 16, SC 66 यानी 66 और SC की जो है 33 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो जिनके पास नर्सिंग से संबंधित डिप्लोमा है उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है ऑफिसर बनने का। वहीं देखिए दिया है आवेदन की तिथि के बारे में भी, रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है और वहीं जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो भी 18/12/2022 निर्धारित कर दी गई है। तो हॉल टिकट भी 10/12/2022 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इसकी पूर्ण सूचना है वह दी जा चुकी है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास उचित डॉक्यूमेंट हों वह जो है इसमें आवेदन कर लें और यह जो एक अच्छा अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाएं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित आ रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 7 विभागों को मिले 77 शिक्षक, रिजल्ट जारी कर दिया गया। जैसा कि आपको बताया गया था कल हमारे सूचना के माध्यम से भी, हमारे चैनल के माध्यम से भी, कि कल रिजल्ट जारी होना था और रिजल्ट आ गया है। 77 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जो कि 7 विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। ये अच्छी खबर है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़े दिनों बाद भर्ती ये हो रही है और जो यह भर्ती है उससे अच्छे अध्यापक मिल पाएंगे, जिससे एजुकेशन स्तर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट भी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई थोड़ा सा टीचर्स ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी और जो इस साल सत्र वगैरह भी है वो भी डिस्टर्ब हो गया था कोरोना की वजह से। उम्मीद है कि सब पटरी पे आ जाएगा। वहीं जूनियर भर्ती परीक्षा को लेकर के दिया है, शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विषय लिखा ना वर्ग, चेतावनी पर भी BSA ने नहीं सुधारी गड़बड़ी। अब जो जूनियर भर्ती परीक्षा है वह एक बार फंसी नज़र आ रही है। हालांकि लगातार मीटिंग चल रही है, 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती आपको नज़र आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। मीटिंग कल हुई थी और जिसका कि अभी तक सल्यूशन
नहीं निकाला जा सका जो आरक्षण से संबंधित है। वहीं दिया देखिए, प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए पहले अधियाचन की गड़बड़ी दूर की जा रही थी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सही अधियाचन भेजने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो सूचना मिली उसके आधार पर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। अब इसमें कितनी सीटें साइंस वर्ग की हैं, कितने आर्ट वर्ग की हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के समस्या पैदा हुई है, जिसका कि समाधान खोजा जा रहा है। वहीं नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भर्ती में मांगा अवसर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, दिसंबर 2021 व जून 2022 के संयुक्त सत्र में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के अवसर देने की मांग की है। तो यह अभ्यर्थियों की मांग है कि इनको जो है भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। वहीं एक अच्छी खबर है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। यूजीसी ने नौकरी करने के साथ पीएचडी करने की छूट प्रदान कर दी है। तो वे सारे अभ्यर्थी जो नौकरी करते वक्त पीएचडी अपना कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा और अब से यह समस्या उनकी सॉल्व हो जाएगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।